सर बॉलीवुड की लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, वहीं साउथ की सभी फिल्में हिट जा रही हैं। क्या लगता है कौन सी फिल्म बॉलीवुड का सूखा खत्म करेगी? देखिए, बात तो आपकी सही है कि बॉलीवुड की सारी फिल्में बैक टू बैक अभी डिजास्टर जा रही हैं, फ्लॉप नहीं बल्कि डिजास्टर जा रही हैं। अभी शमशेरा आई थी, पृथ्वीराज तो ऑल टाइम डिजास्टर हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो बॉलीवुड की इज्जत बचा सकती है वह शाहरुख खान की फिल्म पठान, जो कि अगले साल स्टार्टिंग में आएगी, और स्टार्टिंग में ही फिर ये बॉलीवुड की वापस रीस्टार्ट करवाएगी। क्योंकि जिस तरीके से अभी फिल्में फ्लॉप हो रही, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी स्टार में अभी इतनी दम है जो अपनी फिल्म चलवा सके शाहरुख खान के अलावा। वहीं साउथ की बात करें तो साउथ की फिल्में कुछ कुछ चली हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की लगातार फिल्में डिजास्टर साबित हुई उनकी भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी फिल्में चल रही है और हमारी फ्लॉप हो रही है, तो ये एक अलग ही मैटर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान एक शानदार वापसी बॉलीवुड की करवाएगी, और बॉलीवुड का जो सूखा चल रहा है हिट फिल्मों को लेकर वो पठान के जरिए पूरा होगा। क्या लगता है इस साल 2022 में कोई फिल्म चलेगी बॉलीवुड की? साल 2022 में तो सर मुझे नहीं लगता कि कोई फिल्म चलेगी। हो सकता है दिसंबर में सलमान खान की फिल्म यदि भाईजान रिलीज़ होती है तो वो फिल्म मुझे लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर चल सकती है। हालांकि सलमान खान की भी हमने अंतिम देखी थी, बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं करी उसने, 40-45 करोड़ के आसपास कमाए थे, और भाईजान को लेकर इतना कुछ क्रेज़ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ जनवरी से ही बॉलीवुड की वापसी होगी और वो पठान के जरिए होगी।